स्टैंडिंग वेव इन अ पाइप, इसको ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं, क्लोज्ड एट वन एंड एंड वेरियस मोड ऑफ वाइब्रेशन. देखो इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है. ट्रिकी क्यों है? रस्सी दिखती है, एयर के पार्टिकल दिखते नहीं है. रस्सी में स्टैंडिंग वेव दिख रही है, कैसे बन रही है? एयर के पार्टिकल स्टैंडिंग वेव कैसी बना रहे हैं दिख ही नहीं रहे, सिर्फ सुनाई देती है स्टैंडिंग वेव इसमें. तो होता क्या है, जब स्टैंडिंग वेव एयर में बनती है तो कैसे बनती है, इसको समझने के लिए मान लो आपके पास एक पाइप है. ठीक है, आपके पास एक पाइप है, पाइप के एयर के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं. जब आप एक साउंड जनरेट करते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल ट्रांसवर्स मोशन में थोड़ी ना होते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल है. रस्सी के अंदर जो वेव थी वो ट्रांसवर्स थी, क्रेस्ट एंड ट्रफ. साउंड जो है वो ट्रांसवर्स नहीं है, वो लॉन्गिट्यूडनल है. तो कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन ऐसे मूव करती है. तो वेव जाती है, मीन इस तरीके से जाती है, टकरा के वापस आती है, क्योंकि एक एंड क्लोज्ड है एक एंड ओपन है. टकरा के ऐसे वापस आती है कि उसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल स्टेशनरी वेव जनरेट कर लेते हैं. अब ये स्टेटमेंट कितनी आसान है बोलनी, लेकिन दिखानी बड़ी मुश्किल और समझानी और भी मुश्किल है. कि रस्सी के अंदर दिखा पा रहे हैं कि कैसे डायग्राम बनेगा, एयर के मॉलिक्यूल कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे. तो एक काम करते हैं, हम इसमें दो केस करने वाले हैं. पहला केस करने वाले हैं कि जिसके अंदर एक पाइप लेते हैं और पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है और ओपन एट अदर एंड है. तो मैं आपको पहले मैथमेटिकल दिखाता हूं और फिर इसकी एक बढ़िया सी एनिमेशन दिखाता हूं. एनिमेशन में इतनी क्लैरिटी है कि बिना मैथ्स के वो आपको एकदम क्लियर दिखा देगा कि एयर के मॉलिक्यूल में स्टेशनरी वेव जनरेट होती कैसे, और जबरदस्त एनिमेशन है. पर पहले मैथमेटिकली देख लें. तो मान लो एक पाइप लेते हैं, एक एंड क्लोज्ड है एक एंड ओपन है. ओपन एंड से आपने साउंड को भेजा, लेफ्ट टू राइट साउंड गई, टकराया, क्लोज्ड एंड है, टकरा के वापस आई. टकरा के कहां से आ रही है, क्लोज्ड एंड से. क्लोज्ड एंड फिक्स्ड है, जब एंड फिक्स्ड है मूवेबल नहीं है तो क्रेस्ट का ट्रफ, ट्रफ का क्रेस्ट आएगा, फिर से वाई नेगेटिव होगा, फिर से एक्स पॉजिटिव होगा. तो वही इक्वेशन बनेगी जो स्ट्रिंग में बनी थी. तो पहले दो स्टेप सेम है, सुपर पोजिशन सेम है, एम्पलीट्यूड तक भी सेम है, बिल्कुल यहां तक सेम है. प्रूफ कॉपी पेस्ट कर दिया सेम. तो नेक्स्ट, अब बाउंड्री कंडीशन डिफरेंट है. पाइप के अंदर अगर लेंथ एल है, पाइप में अगर लेंथ एल है, तो ये जो कंडीशन है, देखो ये फिक्स्ड एंड है. तो एक्स इजिकल टू जीरो पे ये फिक्स्ड एंड में किसी भी हालत में मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएगा, यहां से चिपक जाएगा पर आगे पीछे हो नहीं पाएगा क्योंकि जगह ही नहीं है. तो यहां पर एम्पलीट्यूड हर हालत में वाई की वैल्यू क्या रहेगी, इसकी जीरो. फिक्स्ड एंड्स पे वाई जीरो रहते हैं हमेशा, एम्पलीट्यूड जीरो ही रहेगा इसमें. जितना मर्जी एयर का मॉलिक्यूल बीच वाला कैसे भी मूव करे, इसमें मूव नहीं करना. हाँ, ये वाला फ्री एंड है, एयर का मॉलिक्यूल बाहर भी निकल सकता है, अंदर भी आ सकता है, फ्री टू मूव है, मोशन बिल्कुल प्रॉपर है. तो यहां पे एम्पलीट्यूड हमेशा क्या आएगा, मैक्सिमम. तो इसकी बाउंड्री कंडीशन है, जो जितनी मर्जी एयर के मॉलिक्यूल बीच में हिल जाएं, ये दो पार्टिकल में बाउंड्री कंडीशन सेम रहेगी. तो अब मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो इसके इक्वल आया, ये एम्पलीट्यूड है. पहली बाउंड्री कंडीशन है कि जब एक्स जीरो है तो वाई जीरो है. चलो चेक करते हैं. मैंने एक्स को जीरो पुट किया एम्पलीट्यूड में, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू एक्स जीरो, तो साइन जीरो क्या है, जीरो. पहली कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, एक्स जीरो पे वाई जीरो आ रहा है, केस क्लोज. दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स को जब यहां पर एल पुट करेंगे तो आंसर जीरो नहीं आना चाहिए, वाई क्या आना चाहिए, मैक्सिमम. एम्पलीट्यूड क्या आना चाहिए, मैक्सिमम. तो यहां पर जीरो की जगह मैक्सिमम. अब मैक्सिमम में होता क्या है, कोई पार्टिकल ऊपर जाए ए या नीचे जाए ए, एक ही बात है. ऊपर जाने को ए बोलते हैं, नीचे आने को माइनस ए बोलते हैं. तो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन का मतलब ये टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए, प्लस माइनस वन. और अगर साइन ऑफ ये एंगल प्लस माइनस वन चाहिए, मैथ का रिजल्ट है, मेडिकल के लोग याद करेंगे, तो ये एंगल होना चाहिए 2n-1 × π/2. नॉन मेडिकल वालों को पता है. तो ये जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 2n-1 × π/2. याद करना है, पाई से पाई कैंसिल, एल की वैल्यू आ गई. फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड का मतलब पहली स्टेशनरी वेव आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स कब जनरेट हुई और देखने में एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे लगेंगे. ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ग्राफ है बेसिकली, कैसा दिखेगा. तो ये ग्राफ कैसे बनता है, ये क्या स्टेशनरी वेव है और ये क्या शो कर रहा है, मैं दिखाता हूं इसमें. तो इसके अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स ऐसे, एयर के मॉलिक्यूल्स की मोशन ऐसी होती है कि वेव आती है और चली जाती है,
रिफ्लेक्ट होके उनकी मोशन ऐसी होती है कि ये पार्टिकल अपनी जगह से कभी हिलता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, नोड, और ये पार्टिकल अपनी जगह से मैक्सिमम हिलता है आगे पीछे, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाता है, एंटी नोड, और ऐसी यहां पर भी क्या है, सॉरी ये पार्टिकल मैक्सिमम हिलता है इसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड। अब ये ऐसा डायग्राम क्यों है, क्योंकि फर्स्ट मोड में एन को जब मैंने वन पुट किया तो मेरे पास एल आया लैम्डा बाय फोर, लैम्डा का मतलब है दो लूप्स, लैम्डा बाय टू का मतलब है एक लूप, लैम्डा बाय फोर का मतलब है आधी लूप, ये आधी लूप है नोड और एंटी नोड, क्योंकि बाउंड्री हमेशा सेटिस्फाइड है, बाउंड्री में एक एंड पर नोड होना ही चाहिए और एक एंड पर एंटी नोड ही होना चाहिए। तो ये देखने में पहली स्टेशनरी वेव ऐसी दिखती है, इसमें नोड और एंटी नोड, तो इसमें लैम्डा मान क्या है, फोर एल, इसमें जो साउंड जनरेट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वी बाय लैम्डा वन, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हो गई, पहली स्टेशनरी वेव में बोलते हैं रेजोनेंस हो गई, लैम्डा वन इज इक्वल टू क्या, फोर एल। तो फॉर्मूला है, स्ट्रिंग वाले केस में फंडामेंटल का फॉर्मूला वी बाय टू एल है, इसमें वी बाय फोर एल है। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की जगह ऊपर क्या पुट करेंगे, टू, जब यहां पर टू पुट करेंगे तो एल आएगा थ्री बाय फोर लैम्डा। थ्री बाय फोर बनाने का तरीका, वन फोर्थ लूप तो ऐसी रखो, आधी लूप और लगा दो, ये लेंथ क्या होती है, एक लूप मीन्स लैम्डा बाय टू, ये क्या है, लैम्डा बाय फोर, दोनों को ऐड करके आंसर क्या आएगा, थ्री बाय फोर लैम्डा। ये नोड है और ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है। तो पूछ सकते हैं वो कितने एंटी नोड कितने नोड्स हैं, तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट मोड में आधी लूप है, सेकेंड मोड में एक लूप एक्स्ट्रा ऐड कर देनी आधी में। डायग्राम बन गया, लैम्डा टू फोर बाय थ्री एल है, न्यू टू वी बाय लैम्डा टू है, लैम्डा टू फोर बाय थ्री एल है, न्यू टू आ गया, न्यू टू को फंडामेंटल से डिवाइड कर दें, वी बाय एल कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा थ्री इंटू न्यू वन। तो पहली फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में कितनी है, न्यू वन है, लेकिन दूसरी बार जो स्टेशनरी वेव बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्री इंटू न्यू वन है। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे, फाइव बाय फोर लैम्डा, 5 बाय 4 का मतलब आधी लूप के साथ दो लूप्स और ऐड कर दो, तो पहली मोड में सिर्फ आधी लूप है, सेकंड में एक लूप प्लस आधी लूप है, नेक्स्ट में दो लूप्स प्लस आधी लूप है, तो कॉर्नर पे एंटी नोड और नोड ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा 3 की वैल्यू आ गई, न्यू 3 क्या है, वी बाय लैम्डा 3, लैम्डा 3 को पुट कर दिया, न्यू 3 आ गया, न्यू 3 को न्यू 1 फंडामेंटल से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 इंटू न्यू 1। तो पहली फ्रीक्वेंसी न्यू वन है, दूसरी थ्री इंटू न्यू वन है, तीसरी फाइव इंटू न्यू वन है, नेक्स्ट सेवन इंटू न्यू वन है, नेक्स्ट नाइन इंटू न्यू वन है, और nth में क्या आएगा, टू एन माइनस वन इंटू न्यू वन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो इसके अंदर ऑड फ्रीक्वेंसीज हैं, वन थ्री फाइव सेवन, और स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड में सभी फ्रीक्वेंसीज हैं, न्यू वन है, टू न्यू वन है, थ्री न्यू वन है, फोर न्यू वन है, ये डिफरेंस याद रखना। क्या ये रिजल्ट क्लियर है? अब ऐसे एक और केस है, पाइप ओपन एट बोथ एंड। इसको मैथमेटिकली करने से पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि पाइप ओपन एट बोथ एंड में और क्लोज एंड में एक्चुअल में एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ हो क्या रहा था, और ये डायग्राम एक्चुअल में बन क्या रहा है, इसको एक बार एनिमेशन में देखते हैं, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिकली और ऐसा करने से आपको एक आइडिया होता है मैथमेटिकली, लेकिन एक्चुअल में बन क्या रहा है उसको डायग्राम से देखते हैं।